हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन और आप लोग देख रहे हैं नेचुरल देसी मुर्गी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले माफ़ी चाहता हूं कि हमने दो चार दिनों से वीडियो नहीं इसलिए डाल पा रहा था क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारे यहां धान वगैरह का कटाई शुरू हुई है और धान वगैरह मिसाई भी चालू कर दिए थे, तो इस कारण से हमने सुबह से शाम तक काम होता था जिस कारण से वीडियो आप लोग को नहीं दे पाता था। फ्रेंड्स, आज से अब हम डेली वीडियो आप लोग को देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि देसी मुर्गी को फ्रेंड्स फ्री रेंज में पालने से कैसे तेज़ी से ग्रोथ करता है, तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ और वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स, आगे देखते जाइए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरा मुर्गी है। फ्रेंड्स, आप लोग को ये छोटे चूजे का अपडेट भी दिया था, तो ये अभी 7 से 8 दिन लगभग 10 दिन के फ्रेंड्स हो चुके हैं। यहाँ पे देसी मुर्गी है और ये कड़कनाथ का है फ्रेंड्स, और ये कड़कनाथ का है, तो यही कड़कनाथ से हमने अंडा जो दी थी उसको हम देसी मुर्गी में बैठा के चूजे निकलवाए थे फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ हैं, और फ्रेंड्स और भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा इधर भी कुछ मुर्गियाँ हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये करीबन 20-22 दिन के हो गए हैं, और ये तो अभी 10 दिन लगभग हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आगे और भी आप लोग को मुर्गी दिखाता हूँ फ्रेंड्स, बड़े साइज़ के। अभी हम घर से भी इधर लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्री रेंज में है, तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, फ्री रेंज में पालने से मुर्गियों को फ्री रेंज में कीड़े मकोड़े अनेकों प्रकार की कीट पतंग मिल जाती है, जिस कारण से मेरे मुर्गी और अधिक तेज़ी से ग्रो करती है। क्योंकि फ्री रेंज में हर एक प्रकार से भोजन मिल पाता है जिससे अच्छा से मुर्गी ग्रोथ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल अभी 1 केजी का होने को है फ्रेंड्स। ये मुर्गियों को अभी ही फ़िलहाल हमने 1-2 दिन में लाया हूँ फ्रेंड्स, अपने घर में पाल रखा था, तो इनको ज़्यादा फ्री रेंज बड़े जगह में लाया हूँ क्योंकि इधर पूरा मेरा फ्री एरिया है फ्रेंड्स, इधर पूरा धान लगा हुआ था, तो यहाँ अभी धान कट के समाप्त हो गया फ्रेंड्स। तो हमने ये सब मुर्गियों को लाया हूँ पूरा फ्री रेंज में, क्योंकि यहाँ पे खेत में बहुत सारे धान वगैरह गिरते हैं तो उन्हीं को खाते हैं, और सुबह में जो कीड़े मकोड़े आते हैं उन्हीं को मेरा मुर्गी चरता है। तो फ्रेंड्स, और चील वगैरह बचने के लिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये हमने कुछ सब्जियाँ वगैरह लगाई हैं, तो यहीं दिन में रहती है फ्रेंड्स, गर्मी वगैरह होती है तो यहाँ पर छांव भी अच्छा है, आप लोग देख सकते होंगे नीचे में मुर्गियाँ भी है, और इधर मेरा गन्ना का खेत है, तो मुर्गियाँ अभी डरी हुई है क्योंकि ये घर में खुले एरिया में रहती थी, तो देख सकते हैं मेरे गन्ना के नीचे यहाँ पे आराम से छुप के रहती है गर्मी में, और जब भूख लगे तो फ्री रेंज में जाके चर लेती है। इस कारण से अच्छा खासा मुर्गी का ग्रोथ होता है, क्योंकि और खुले में रहने से इन मुर्गियों को शुद्ध वायु भी मिल पाता है, शुद्ध सारा चीज़ मिल पाता है, क्योंकि यहाँ से हमने ना कोई चारा देता हूँ ना कोई अलग से कोई दाना वगैरह देने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मुर्गी मेरा जो है वो अपने बच्चे को दिन भर घुमा घुमा के खिलाती पिलाती दाना वगैरह चुन चुन के, तो ये मुर्गियाँ भी अनेकों प्रकार से कीड़े मकोड़े और दाना वगैरह भी मिल जाती है, तो इससे जल्दी ग्रोथ होता है। और इधर खेत की वजह से ग्रीन घास वगैरह जिस सब्जियाँ वगैरह भी है मेरे खेत में, तो उन्हीं को कुछ कुछ को खा लेती है, तो इससे मुर्गियाँ और अधिक ग्रोथ करती है। क्योंकि फ्रेंड्स, खुला एरिया में रहने से मुर्गी को अच्छा खासा ग्रोथ होता है, ना कोई ज़्यादा बीमारी भी होता है, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरे स्वस्थ चूजे हैं, इनमें से आज तक कोई भी चूजे नहीं मरे हैं और बिल्कुल स्वस्थ है, और आज तक हमने कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं दिया हूँ और पूरे स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम मुर्गी पालन करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग किस तरीका से करते हो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मन में कोई सवाल हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा, हम आप लोग का हर कमेंट का जवाब दूंगा। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।